नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। झंडियाला गुरु में गत रात्रि एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर दीवार से जा टकराई, दो नौजवानों की मौत, एक गंभीर घायल। जलंधर के थाना रामा मंडी की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, सात मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा की बरामद। अमृतसर की संधु कॉलोनी के नजदीक बेदी की घटना आई सामने, पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। और अब हलचल विस्तार से। झंडियाला गुरु टी पॉइंट तरनतारन रोड बाईपास पर गत रात्रि एक तेज रफ्तार कार अपना संतुलन खो बैठी, जिस कारण यू टर्न आने पर कार सीधी दीवार से जा टकराई। इस कार में तीन नौजवान सवार थे। ये कार इतनी तेज थी कि सड़क से 30 फुट उड़कर दीवार से जा टकराई। इस दौरान कार के दरवाजे तोड़कर तीनों नौजवानों को बाहर निकाला गया, जिसमें करणवीर सिंह और गुरप्रीत सिंह निवासी तरनतारन की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अमृतसर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं गुरमीत सिंह, सरपंच पिंड नंगल गुरु। अज इतने आए हैं तो गड्डी रात की बजी आ, जिन्हें दो मौत मौके पर हो गई वा। यह बाईपास का पहलिया सरकार ने एडा बुरा हाल किया भी अज तक बोर्ड ही नहीं लग सकया। पहलिया सरकार कोई स्टॉप नहीं लग सके राह दे विच भी जिहड़ी लोग सही आ जाण। लोगों भुलेखा वा भी सीधी सड़क जाती, जो लागे आँदे उदो पता लगता भी गाड़ी जरा वा गाड़ी नीवे थान खताना च, पता नहीं इतने किनिया मौत हो चुकी। हूँ अं हरभजन सिंह जी साहब को बेनती करते कि ते को महकमा वा कि तुम ये महकमे ऑर्डर करो जी एस टी ओ साहब को भी इतने लाए जाए, उस स्टॉप लाए जाए, दो तीन थाई वो लाए जाए। बाकी जरा वा इतने बोर्ड एक बड़ा लावे जे पूरा सैन बनया हो सड़क में बैंड पा के मोड़ते एक पिछे बने एक इतने बने ते तेज आने कारण ही मतलब जरा हादसा इतने हर मतलब एक दो दिन छड़ के हादसा इतने होंगे जी। कारण यही है जी, मतलब पिछों ये मोड़िया मोड़ तो किसी पता नहीं लगता मोड़ का, तो स्पीड ज्यादा होंगी आ, स्पीड ज्यादा होने कारण मतलब जरा मोड़ उन्होंने को मतलब कंट्रोल च नहीं होंगी गड्डी बाद च, तो वो करके हादसे होंगे। दूजे तीजे दिन इतने ये वापरता ही हादसा वापरता जी, तो इनू कंट्रोल करने वास्ते जो पिछे स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, ठीक है जी। तो स्पीड ब्रेकर बनाने के नाल जे मतलब जीडिया मौत जो कर सकते हैं जी। किन्ने बंदे मर गए थे? ये दो बंदे मौके से मर गए जी, तो एक बंद हॉस्पिटल लैके जाया गया, हालत जी गंभीर ही होता पता नहीं है जी की। जलंधर के थाना रामा मंडी की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी सेंट्रल निर्मल सिंह ने बताया कि थाना रामा मंडी के प्रभारी नवदीप सिंह की अगुवाई में पुलिस पार्टी ने सूचना के आधार पर इन आरोपियों को चौगीटी चौंग से चोरी शुदा मोटरसाइकिल सहित काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरदीप कुमार निवासी गाँव जोहला, गुरजिंदर सिंह उर्फ रूबी निवासी गाँव ढिलवा और हरदीप सिंह निवासी गाँव पतारा के पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सात मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग श्री कुलदीप सिंह चाल आईपीएस कमिश्नर पुलिस जालंधर अते होर बालाधार अफसर के आदेश के मुताबिक शहर के जेडे व्हीकल चोरी हो रहे थे उन्होंने संबंध में मानजोग अफसर की हिदायत के उत्ते एक स्पैशल ऑपरेशन जिहड़ा हैगा सी चलाया गया सी। तो इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिंदे हुए थाना रामा मंडी दे SHO इंस्पैक्टर नवदीप सिंह की टीम ने एक वधिया कम किया। जदों कल दराने नाकाबंदी चगिट्टी चौंक तीन मुलजम जिहड़े हैगे ने चोरी दे व्हीकल समेत काबू किए, जिन्हां दे नाम गुरदीप कुमार, गुरजिंदर सिंह ते हरदीप सिंह, जिन्हां दा पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो इन्हों गिरफ़्तार किया और इन्हों के खिलाफ मुकदमा नंबर 168 दर्ज किया। तो दराने तफ्तीश और दराने इंटैरोगेशन जिहड़ा इन्हों तिना मुलजमान के कोलों टोटल 9 व्हीकल जिहड़े हैगे ने वो बरामद हुए हैं, जिन्हां दे विच 7 मोटरसाइकिल हैगे ने और 2 इहदे विच जिहड़े हैगे ने एक्टिवा स्कूटर हैगे ने। होर भी आस करदे जे पुछ के कि बिल्कुल इंस्पैक्टर साहब दे नाल बैठे हैं, असीं प्रॉपरली होर इन्हों इंटैरोगेशन करांगे, पुछ पड़ताल डीपली करांगे कि
मैक्सीमम जिहड़ी हैगी आ उह चोरी दे व्हीकलां दी रिकवरी हो सकदी। प्रोफाइल इहनां दी की है? प्रोफाइल फिलहाल क्रिमिनल कोड दे बंदे हैगे ने, इहनां दे खिलाफ जिहड़े आ 3 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैगे ने। अमृतसर में आए दिन बेअदबी की घटना बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते देर रात थाना छेरटा के अधीन आते संधू कॉलोनी के नजदीक बेअदबी की घटना सामने आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना छेरटा के प्रभारी गुरविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात 11 बजे सूचना मिली कि संधू कॉलोनी में कूड़े के ढेर में गुरु साहिबान, देवी देवताओं और क्रिश्चियन धर्म की तस्वीरें मिली हैं, जिसको लेकर इलाका निवासी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जिस कारण उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये हरकत की उसे बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रात सानू करीब 11:30 के करीब इतला मिली कि संधू कॉलोनी का जरा मेन जी टी रोड आ, उत्थे कूड़े के ढेर में किसी ने वक् वक् गुरु साहिबान दी फोटो ते कुछ धार्मिक लिटरेचर जिहड़ा वा उह सुट्टिया होया। जो इतलाह मिलते असीं तुरंत मौके पर पहुँच के उन्होंने कब्जे में लिया और तुरंत असी जिहड़ा अणपछाते बंदियां दे खिलाफ FIR दर्ज की। असीं इहदी तफ्तीश कर रहे हैं और जिसने भी ये सुट्टिया आ और जिन्हें भी ये गैर जिम्मेवराना हरकत की है उसनों ट्रेस करके और जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर, आसपास काफ़ी सीसीटीवी लगी है, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए? बिल्कुल जी, सारियां टीमां लगियां हुई हैं चेक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी असं सारे जरा वेरीफाई करके असलियत सामने लियावांगे। स्मार्ट सिटी के 900 करोड़ के प्रोजेक्टों के फंड के घोटालों के शोर के बीच MP सुशील रिंकू की ओर से दिल्ली से आए फाइनेंस विभाग के डायरेक्टर गुरजीत सिंह ढिल्लों के साथ जलंधर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों का जायजा लिया गया। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे कामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को काम में तेजी लाने की हिदायत दी गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुशील रिंकू ने कहा कि सभी प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान स्टाफ अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि प्रोजेक्ट को बढ़िया ढंग से और तेजी से निपटाएं और साथ ही इसका विवरण बताया जाए। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जलंधर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जिहड़े ऑफिसर साहबान फाइनेंस कमीशन दिल्ली तो डायरैक्टर गुरजीत सिंह ढिल्लों जी आए हैं, उन्होंने नाल और जलंधर के अधिकारियों के नाल स्मार्ट सिटी के जिहड़े प्रोजेक्ट है वो देखे जा रहे थे कि किन्ने परसेंट काम होया, किहड़ियां किहड़ियां कमियां, उहदे सारे दिशा निर्देश है जिहड़े अधिकारियों नूं मौके ते दित्ते है कि 120 फुटी रोड और जिन्नी कपूरथला रोड और जिथे जिथे भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे, चाहे वह बिस्त द्वार का काम चल रहा, इन्हों कामों क्वालिटी जी है उन्होंने नज़र आनी चाहिए है और कम जोड़े आ फौरी तौर के उत्ते जोड़े आ मुकम्मल होने चाहिए ता कि लोगों को जी राहत मिल सके। देखो गल है कि काफ़ी लंबे समय तो यह काम जो पेंडिंग पे है और अज इस करके स्पैशली तौर के उत्ते मैं खुद विजिट करन दे लई आया ता कि अधिकारियों नूं दिखा सकां कि लोग है जिहड़े किन्हां मुश्किलां दे विचों रोज़ निकल रहे आ और आश्वासन इन्हां वल्लों मिलिया कि बहुत जल्द है जिहड़े इन्हां कम्मां नूं निपरे चढ़िया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर शहर के सभी प्रमुख बाजार, प्रमुख सड़कों, चौराहों के साथ साथ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के आसपास सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पूरे शहर में 1114 कैमरे लगाए गए हैं। अब इन कैमरों को चालू करने का काम शुरू हो चुका है। इनका कंट्रोल रूम नगर निगम कार्यालय रंजीत एवेन्यू में बनाया गया। इसका पूरा कंट्रोल पंजाब पुलिस के हाथों में होगा। पंजाब पुलिस की टीमों को इन कैमरों को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी निजी कंपनी द्वारा दी जा रही है। इसी संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस परमिंदर सिंह भंडाल अमृतसर में सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम में पहुंचे और उन्होंने वहां पर चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कैमरे लगाने का काम शहर में पूरा हो चुका है, अब इनको शुरू करने की कार्रवाई चल रही है। काफी हद तक कैमरे शुरू हो चुके हैं, जल्द ही पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होगा तो शहर में अमन और कानून व्यवस्था को कायम रखने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इतने स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लग रहे थे, अब काफी कैमरे जो सा चालू हो गए, कुछ अजे चालू होने वाले और जड़िया टीमां इतने सिखलाई रह रही, मैं उन्होंने चेक करने वास्ते आया और नाल मैं कैमरियां दा देखना आया भी किन्ने कैमरे लोकेलिटी किस तरह की है, किस तरह वह आ रहा वो सारा कुछ वो मैं चीज़ा चेक करना आया
तो मैनू काफ़ी उम्मीद आ कि जोड़े बाकी साढ़े बच गए ने वह भी हम जल्द लग जाएंगे और जो पूरे लग जाते हैं तो फिर तुम बकायदा बुलाया जाऊगा और यदा आप पूरा उद्घाटन करा और फिर पूरा शहर वास ने जिथे कित भी कोई ट्रैफिक की कोई उलंघना करता ज कोई कानून हाथ च लैंदा तो वेद फिर आटोमैटिक जिमें बहरलिया कंट्रिया घर चलान चले जाता वह भी हम आने वाले दिनों चल जाना चल जाया करना। इस करके मैं अपील करदा तुहाडे जरिए कि लोग इस चीज़ को अवेयर हो जाए पहले ही अपनी आदत को इस तरह का बना लेन कि जिथे कित भी कोई रेड लाइट आ जां जिथों कित आप कोई यू टर्न लेनी आ करना आ प्रोपर जो कानून मुताबिक ट्रैफिक के मुताबिक वो ना करिए और हर शहर पूरे शहर के हर जगह देते हुण साडी नज़र होगी कोई लड़ाई झगड़ा ना करिए अपनी गड्डी नूं तेज़ रफ्तार ते ना चलाइए कोई टक्कर ना मारिए किसी ने यह चीज़ा सारिया हुण ध्यान च रखने की लोड़ है हर एक नूं। निगम चुनाव से पहले कांग्रेसी वर्करों की नब्ज। टटोल ने पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रधान और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु अमृतसर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जहां सांसद औजला सहित पूर्व विधायकों से अलग मुलाकात की, वहीं कांग्रेस भवन में पार्षदों, पूर्व में चुनाव के दौरान रहे उम्मीदवारों के साथ साथ प्रधानों से भी अलग से बैठक कर उनकी राय जानी। इस अवसर पर आशु ने कहा कि आने वाले निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर मजबूती से लड़ना पड़ा है। इस मीटिंग में आने वाले निगम चुनावों में कांग्रेसी वर्करों को पार्षद उम्मीदवारों के लिए आगे लाया जाएगा और जिन पार्षदों ने पार्टी बदली है उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कार्रवाइयां चल रही है रिव्यू मीटिंग करने का और खास तौर पर आने वाले जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है वो मद्देनजर सारे वर्कर के साथ जो काउंसलर साबका से उन्होंने सारी लीडरशिप को कल्या कल्या मिल के अगली स्ट्रैटेजी की डिवेलप होनी चाहिए है किस तरीके टिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए है किस तरीके सर्वे लैके विनेबिलिटी फैक्टर देखना है लॉयल्टी फैक्टर देखना वो सारिया चीज़ा डिस्कस हो रही है साड़िया वो मुताबिक जो क्राइटेरिया बनेगा वो अगे है जी लीडर साढ़े कंटेंडर है लड़ना चाहते हैं उन्होंने मीटिंग करना ये सारा मकसद है। मेरा ख्याल अज की तरीक सा जोड़े मौके तो उस मौके छड़ के चले गए जो पार्टी जरूरत सी असी देखा। बरनाला पुलिस प्रशासन की तरफ से बिना नंबर प्लेट बिना कागज पत्रों के टू व्हीलर फोर व्हीलर और बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर मॉडिफाई करके पटाखे मारने वाले बाजारों में घूम रहे हुल्लड़बाजों पर सख्ती की जा रही है और चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ करने वाले मैकेनिक के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। आए दिन बरनाला शहर में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस चौकस हो गई है। इसी के चलते पुलिस की तरफ से बरनाला शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर ट्रिपल राइडिंग करने वालों का भी सख्ती से चालान किया गया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बस आज अभी सिविल हॉस्पिटल को बरनाले जेड़ा नाका लाया हुआ व्हीकलों की चैकिंग करते हैं मैं और मेरा स्टाफ बिच ही मेरा ट्रैफिक पुलिस का लेडी स्टाफ साढ़े नाल असी व्हीकल चैक करते हैं। व्हीकल चैक करने के दौरान जिहड़ा विदाउट जिहड़ा व्हीकल विदाउट नंबर प्लेट है विदाउट कागज पत्रां दे है ठीक है कोई मोबाइल सुनदा आउंदा है असीं उहनां दे जिहड़े रोक के उहनां दे चलान कर रहे हाँ जिहदे विच कई बच्चे बच्चियां जिहड़ियां ने ट्रिपल सवारी आईयां ने उहनां दे चलान कीते ने बाकी होर जेंट्स जिहड़ी जिहड़ी कोई कमी पाई जांदी है उहदा चलान कर दिया। कहते अगर इंसान की सोच अच्छी है और वह काम को लगन के साथ करे तो एक ना एक दिन मंजिल को पा ही लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जलंधर निवासी बलदेव ने जो कि ग्रेजुएट है और चाय का स्टॉल लगाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह पिछले 10 सालों से आइल्स और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी ले रहा है और बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवार चुका है। दरअसल बलदेव का मानना है कि ऑफिस में तो सिर्फ सूट बूट वाले लोग ही आएंगे लेकिन इस चाय के स्टॉल पर हर एक व्यक्ति मिलेगा जिसको कोचिंग की जरूरत होगी और ऐसे बच्चों को वह मुफ्त में पढ़ाएंगे। आगे बातचीत करते हुए उनसे पूछा गया कि क्या घर वाले इतराज नहीं जताते कि उनका पढ़ा लिखा बेटा एक चाय की रेड़ी लगा रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका परिवार उनके साथ है और कहता है कि वह एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है क्योंकि बहुत कम लोगों की सोच होती है कि अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर सके। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं एक कंपनी का फाउंडर है ते मेरी कंपनी नूं चलदे हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं ते असी बहुत ही वधिया वे दे नाल अपनी कंपनी नूं रन कर रहे हैं। साडी पूरी टीम है और असी बेसिकली असी प्लेसमेंट भी करवाने हैं प्रोफेसनल प्लेसमेंट
ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਰ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਆਇਲਸ ਔਰ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਸਟਾਲ ਲਗਾਵਾਂ ਚਾਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਸਬ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਮਿਲ। ਟਾਟਾ ਕੋਸਮੋ ਨਜ਼ਦੀਕ DPS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ GT ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਆਰਥੋਨੋਵਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਰਥੋਨੋਵਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਕਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬੜ ਚੜ ਕਰ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲੇਕਰ ਰਕਤਦਾਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਟਾਟਾ ਕੋਸਮੋ ਕੇ MD ਰਾਘਵ ਆਹੂਜਾ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਲਸ ਉਮੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਾ ਅਨਯ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਅਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਟਾ ਕੋਸਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਅਰ ਆਪਣੇ DPS ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਨੋਵਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਸੇਵ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਅਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਟਾਟਾ ਕੋਸਮੋ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
इस तो बाद साड़ी उम्मीद हैगी साड़े होर लोकल मेरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनज ईवन के सोसाइटीज़ वाले या जो सोशल वर्कर्स हैं साड़े लिंक दे विच हैगे हैं उन्होंने सानू प्रायर इनफॉर्मेशन सानू मतलब इनफॉर्म किया होया हैगा सानू कह रहे हैं कि साड़े वाले ऑर्गेनाइज करो और होपफुली मतलब वेरी शॉर्टली असी उत्थे होर अपने मे बी के साड़ी सोसाइटी दे विच ही ए जी दे विच ही असी वेरी शॉर्टली असी इत्थे कि भी ब्लड डोनेशन कैंप एक ऑर्गेनाइज करांगे। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं उमेश अरोड़ा कॉस्मो टाटा जनरल मैनेजर सेल्स। अज असी अपने कॉस्मो टाटा दे विच कॉस्मो टाटा ते ऑर्थोनोवा ब्लड बैंक वालों एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एक नोबल कॉज है जिहड़ा कि मैं समझदा सानू करना चाहिए ते साडे पूरे स्टाफ ने इस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लिता है। साडी मैनेजमेंट साडे ऑनर मिस्टर राघव हूजा ईवन सारे स्टाफ ने अज खूनदान दिता है इत्थे। थैंक यू। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर पहल की ओर से श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जलंधर के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले नव निर्वाचित प्रधान विजय खुल्लर व उनकी टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान पविंदर बहल ने विजय खुल्लर को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया और उनकी जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजय लाली, सुशील सानी, विपिन बहल, प्रिंस भगत, केशव राज नटवर भी मौजूद रहे। जलंधर से अलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज श्री विजय खुल्लर जी प्रेजिडेंट गीता मंदिर सानू आशीर्वाद देने वास्ते इतने पहुँचे ने तो मैं इन्होंने तह दिल तो सारे अपने परिवार वालों की और सारे दुकान के वर्करा वालों सारे वालों इन्हों लख लख बधाई दिना और महाराणी की अरदास करदा। ये महाराणी की हर वेले सेवा करते रहे और इन्हों दोबारा मौका मिले हूँ गीता मंदिर मॉडल जोड़ा है होर चढ़दियाँ गलों जाएगा और इन्हों सेवा महाराणी ने ड्यूटी लाई जी ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਡਾਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਝੋਲੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਥੰਪਿੰਗ ਮਜ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਤੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 15-20-30,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 60-35 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਦੇ ਵਿਤਲਾ ਮੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤਟਵਾਸਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਧਾਮ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਵਾ ਐਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਭਾ ਵਾਲੋ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋ ਕੋ ਗਾ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਸ ਵਹੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ, ਵਰਿਸ਼ਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮਾਤਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਹਲੀ, ਅਰਜੁਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਦਮਨ ਮਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਭਕਤ ਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹਾਮਾਇਆ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਨੇ ਨੈਣ ਵਿਛਾਇਆ ਮਾਤਾ ਸਭ ਬੋਲੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਪ ਜਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਦੀ ਮੁਸਕਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਦੀ ਮੁਸਕਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਦੀ ਮੁਸਕਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਦੀ ਮੁਸਕਾਇਆ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। जंडियाला गुरू में गत रात्रि एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर दीवार से जा टकराई, दो नौजवानों की मौत, एक गंभीर घायल। जलंधर के थाना रामा मंडी की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, सात मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा की बरामद। अमृतसर की संधु कॉलोनी के नजदीक बेदी की घटना आई सामने, पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।